मेहनत हुआ है और टाइम होने को है सावन हो, चलते हैं अब घर, दुकान को बढ़ाते हैं। और जब भी काम आप सभी को ऐसा फंसे तो बिल्कुल जीजा लगा देना चाहिए, करना चाहिए। जब नहीं है तो मस्ती करना चाहिए, कम बेसी चलेगा। बट कपड़ा वापस करने से होता क्या है, परेशानी होता है। कितने मास्टर को ये आदत हो जाता है ना कि काम अगर ज्यादा हो जाता है रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। भाई अब पूरा जीजा लगा दो पहले से, और ये नहीं कि पूरा कपड़ा ले लो और सकान से भी, यानी कि ज्यादा खाते जाओ उल्टी मार दो। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी समय हो रहा है 6:30 और आज मेरा बहुत ज्यादा दशा खराब है, सर्दी, सर में दर्द। कल तो हम कैसे जैसे तैसे स्टिच कर लिए, कपड़ा लिए, आज 2 दिन है 15 अगस्त का, और दुकान देखो यहाँ सफाई नहीं किया, क्योंकि तबीयत भी खराब है, सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हुआ है, सर में दर्द है, काम भी ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक बार दुकान का हालात तो दिखा दूँ। ये देखो सुबह सुबह पूरा धूप जो है अंदर तक आ जाता है, इसलिए शटर आधा खोले हुए हैं। और ये देखो बिल्कुल कचरा भरा हुआ है यार, मैं क्या करूँ, दुकान एक दिन भी साफ नहीं कर तो दशा खराब हो जाता है। ठीक है, और दुकान डेली साफ सुथरा करना चाहिए, लेकिन हम कल भी साफ नहीं किए थे, आज भी साफ नहीं करेंगे, परसों भी, यानी कि जब तक काम मेरा सही नहीं हो जा रहा है मैं साफ करने वाला नहीं हूँ। भाई अगर करना होगा तो एक भाई है, उसको बोलेंगे आज करने के लिए, क्योंकि साफ सुथरा रहना चाहिए। साफ रहने से कारीगर जो है, सॉरी कस्टमर जो है, थोड़ा ज्यादा वैल्यू देता है। बट तबीयत खराब होने के कारण, काम ज्यादा होने के कारण मुझे उतना समय नहीं देना है। तो चलिए, ये हॉस्टल में जाने वाला पैंट है, फोन आया था तो इसको प्रेस लगा लेते हैं, फिर देखते हैं आज दिन भर क्या क्या होने वाला है। तो ब्लॉग पर बने रहिए, और किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, इस टाइप का चाहिए या घूमने वाला चाहिए, तो आप लोग कॉमेंट कीजिए। ये देखिए मेरा दुकान जो है साफ सुथरा बिल्कुल हो चुका है, साहेब किए हैं आते आते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। कैसा महसूस हो रहा है साफ सुथरा करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो गाइस मेरा तो प्लानिंग नहीं था आज वो साफ नहीं करने के लिए, लेकिन साहब कर दिए साफ, बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक प्रेस कर रहे थे और फ्रेश भी हो गए। चलिए अब चलते हैं, वर्क करने में अब मजा आएगा। ठीक है, काचना आता है तो और मिजाज थोड़ा सा फ्रेश नहीं रहता है, तो देखते हैं आज कितना काम हो पाता है। और लग रहा है इनका तो काम खत्म हो जाएगा आज, क्योंकि छोटा छोटा शॉट है, एकदम मार दे रहे हैं बाजी। नहीं आई, मुंह चुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं, मुंह नहीं धोए हैं का जल्दी धोए हैं। नाश्ता हो गया? वाह क्या बात है, ये लोग नाश्ता भी कर लिया है भाई, अभी पेट बैठाया भी नहीं है, गिलास पानी भी नहीं बैठाया। और अभी जो है टाइम होने वाला है 8:30, टाइम बहुत ज्यादा निकल गया। तो गाइस अभी जो है हम लोग खाना खा रहे हैं और टाइम हो चुका है 10:30 होने को है, नाश्ता हो रहा है सुबह का और बड़ा मजा आ रहा है। दुकान में कौन कौन खाना खाता है कमेंट करके जरूर बताना है, कि कौन कौन दुकान में खाता है, नाश्ता करके आता है या लंच दुकान पर करता है या लंच घर को करने जाता है, तो आप लोग कमेंट करना जरूर। और अभी खाने में क्या क्या है आप देख सकते हो, चावल और ये नींबू मिर्च है, ये अचार है, और ये क्या बोलते हैं सोयाबीन आलू का आलू दम है। ठीक है, तो आप लोग जो है दुकान में खाते हो या नहीं खाते हो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे तो मैं डेली भाई अगर सुबह नाश्ते भी करके आऊँ तो लंच दुकान में ही खाता हूँ। तो चलिए भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जब तक हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाना है तो भाई आप लोग आकर खा सकते हो। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:12, जैसे कि आप देख सकते हो, और आज का काम कंप्लीट हो चुका लगभग, आज टोटल 10 पीस सिलाया है। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3 और 2 पीस चला गया है, अच्छा 1 पीस गया है, ये 4 और इधर को शॉर्ट हो गया, 1, 2, 3, 4 ये 5, ये 500 बराबरी काम किया है भाई आज, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मेहनत हुआ है और टाइम होने को है सावन हो, चलते हैं अब घर, दुकान को बढ़ाते हैं। और जब भी काम आप सभी को ऐसा फंसे तो बिल्कुल जीजा लगा देना चाहिए, करना चाहिए। जब नहीं है तो मस्ती करना चाहिए, कम बेसी चलेगा। बट कपड़ा वापस करने से होता क्या है, परेशानी होता है। कितने मास्टर को ये आदत हो जाता है ना कि काम अगर ज्यादा हो जाता है रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। भाई अब पूरा जीजा लगा दो पहले से, और ये नहीं कि पूरा कपड़ा ले लो और सकान से भी, यानी कि ज्यादा खाते जाओ उल्टी मार दो, वैसा भी नहीं होना चाहिए। जितना क्षमता उतना ही लेना चाहिए,
और कितने जो SLEC होते हैं कि वो काम नहीं कर पाते हैं, मेहनत से डरते हैं और कारीगर नहीं है कारीगर नहीं ऐसे करके, और उनका कमाई भी नहीं होता है जो घूमते फिरते हैं। क्योंकि मेरे मोहल्ले में बहुत सारे दर्जी हैं जो मैं देखता हूँ लोगों को लाइव, और हमेशा दुख रोते रहते हैं, हमेशा दुख रोते हैं। तो हम इसलिए इस चीज को बता रहे हैं ब्लॉग के थ्रू, ताकि हर वो एक पार्ट बताऊंगा इस ब्लॉग पे जो रियल लाइफ में होता है मेरे आंखों के सामने। आप लोग कैसे क्या फील करते हो तो मुझे नहीं पता, तो इस वीडियो को जो है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे जो है मेन पार्ट क्या लगा, और आप सब किस तरीके से काम करते हो, मैं जो बोला हूँ इस तरीके से काम करते हो या आप लीजिए हो। अगर आप आलसीपन करते हो तो आलसीपन को छोड़ो, और आज से ही अभी से ही अगर वीडियो देख लिए तो आप मेहनत करना शुरू कर दो, कार्य करके भरोसे मत रहो, जितना पार लगे उतना करो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करें।